हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कविता जोशी अपने यूट्यूब चैनल कब्बू टेरेस गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी नींबू के पौधे के बारे में है, क्योंकि दोस्तों देखिए नींबू का पौधा क्या होता है, हर किसी को अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि नींबू एक ऐसा फल है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी प्राप्त होता है इससे हमें, तो आप इसे ज़रूर लगाएं अपने घर पे। कई लोग दोस्तों इसकी सुबह सुबह चाय भी पीते हैं नींबू की। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अपने घर पे ये नींबू का पौधा लगाते हैं तो इसके लिए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपके पौधे में भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होगी। ये देखिए दोस्तों, मेरे पौधे में कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अभी कुछ नींबू मेरे तैयार हो चुके हैं, कुछ नींबू अभी छोटे छोटे हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी मेरा लगभग ये पूरे साल भर तक मेरे को फ्रूटिंग देता है ये पौधा, हर हमेशा इसमें मिले नींबू मिले रहते हैं इसमें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस पौधे को अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसकी मिट्टी की। जब भी आप दोस्तों नींबू का पौधा लगाते हैं तो इसके लिए आप मिट्टी अच्छी बनाएं। उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें खाद की मात्रा आपकी अच्छी होनी चाहिए, और मिट्टी बिल्कुल देखिए दोस्तों जैसे मेरे पौधों की हो रही है, कितनी अच्छी बरबरी सी हो रही है, क्योंकि इसमें खाद की मात्रा अच्छी मिली है मेरे पौधे को। और दोस्तों मैं इसमें खाद जो है, अगर गोबर की खाद है तो वो डाल देती हूँ, वो भी नहीं है तो मैं किचन वेस्ट से तैयार खाद को डालती हूँ, जिससे कि मेरे पौधे को अच्छी खाद मिले और पौधा मेरा अच्छी फ्रूटिंग करे। और दोस्तों जब भी आपके पौधे में ये फूल आने लग जाते हैं तो उस समय आपने ध्यान देना है कि इसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम करें। अगर आप पानी की मात्रा बहुत अधिक कर देंगे तो इसके फूल जो है गिर जाते हैं, और जब वो फूल फल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा पानी की मात्रा आप बढ़ा दें, इसमें जो है पानी थोड़ा अधिक डालें इसमें। और दोस्तों आप जब भी कोई फ्रूट वाला पौधा लगाते हैं, जब भी कोई सा भी हो, अभी चाहे नींबू का ही पौधा नहीं, अमरूद वगैरह कोई भी लगाते हैं, तो उसको आपने पूरे दिन की धूप दिखानी है, क्योंकि पौधे को ये धूप बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक इसको धूप में रखें। और दूसरा दोस्तों, अगर आप इसको लगाते हैं तो इसको आप जितने बड़े उसमें लगा सकें, जैसे मैं देखिए मैंने ये प्लास्टिक की बाल्टी में लगाया हुआ है, अब मैं इसको जो है ड्रम में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि जो है ये इसमें लगभग इसको एक साल हो चुका है, अब इसको मैं ड्रम में शिफ्ट करूँगी, उसके बाद ये काफ़ी और अच्छा घना हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप ऑर्गेनिक खाद तैयार कर करके अपने टेरेस में भी फूल वाले और फल वाले पौधे भी अधिक से अधिक मात्रा में लगा सकते हैं, क्योंकि क्या है दोस्तों, जो भी हम इसमें से फल प्राप्त करेंगे वो हम ऑर्गेनिक खाद से तैयार फल मिलेंगे हमको, जिससे कि हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों ये नींबू एक ऐसा फल है जिसे ये मोटापा घटाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसका अगर हम नींबू पानी पियेंगे शहद डाल करके तो उससे मोटापा भी कम होता है। तो इसलिए आप भी जो है अपने घर पे अधिक से अधिक मात्रा में ये पौधा लगाएं और अच्छी फ्रूटिंग लें और उससे अधिक फ़ायदा लें। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।